हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है बिकॉज़ मैं अपने स्पेशल से स्पेशल पर्सन से मिलने आई हूँ और बताती हूँ मैं आपको वो कौन है। हेलो, ये है मेरे भाभी। हमारे नेबर्स भी हैं बट ये मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं। इतने मैं अपनी मैरिज के इतने टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पर, आपको पता ही है, और कनाडा से मैं इतने सालों बाद आई हूँ, पर मैं भाभी से स्पेशल मिलने आई हूँ। मतलब जैसे पहले हमारा प्यार था वैसे ही है। और आप सबने तो देखा ही है मेरी सभी वीडियोस में, मैं अपने सभी पुराने फ्रेंड्स को, पुराने क्या, ओल्ड इज गोल्ड है ना, पुराने तो कहने की बात होती है, ओल्ड इज गोल्ड, तो इनको तो मैं दिल से चाहती हूँ। और मैं आई हूँ, मतलब मैंने बेल बस बजा दी, मैंने कुछ नहीं वो किया कि हाँ मैं शर्माऊँ या क्यों, अपना ही घर है, बेल मारो और घुस जाओ अंदर। क्यों किया ना मैंने ऐसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या बोलना चाहोगे भाभी जी? मेरी नेहा नणंद है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, और इतने सानू साल बाद मिलन आई है, बहुत खुशी हुई है सानू, साडे कोलो खुशी संभाली नहीं जा रही है, और सानू एवं लग रहा है साडे घर दी जिहड़ी रौनक है वापस आ गई है। थैंक यू सो मच, आई लव यू। या मी टू। देखो भाभियां इतनी प्यारी होती है, ये रिश्ते ना फालतू के ऐसे बना रखे है की ननद भाभी की बनती नहीं है, पर हमारी तो बहुत बनती है, बहुत प्यार है। टच वुड नजर ही ना लग जाए कहीं, हमारी ना नजर ना लग जाए। बिल्कुल सही बात कह रही है ना। और मैं आपको मिलवाती हूँ आंटी जी से। ये है हमारे आंटी। लेकिन जब हम छोटे छोटे होते, हाँ जी, जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हम ना बस यही बोलते रहते थे कि मम्मा ये आंटी कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, और आज भी देख लो मॉडर्न लग रहे हैं पूरे। और देखिए आंटी की फेस पे ग्लो है ना, देखो सब देखो, ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बंदा खुश रहे और बंदा अच्छा मन से अच्छा हो ना, तो आपके फेस पे जो रौनक आती है ना, वो देखते ही बनती है। अब मैं आंटी को इतने सालों बाद मिली हूँ, मैं यही सोच रही हूँ, मैं अपनी मम्मा से भी यही कहती होती थी कि मम्मा अपनी जवानी में तो आंटी कितने सुंदर होंगे। आंटी लड़कों की लाइन लगती होगी है ना। इतनी सुंदर हमारे आंटी, हमारी गली में सबसे सुंदर, अभी भी सब पीछे हैं, सब पीछे आपसे। और आपको कैसे लगा मुझसे मिलके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू आंटी। बेटी है, हमारी बेटी है। थैंक यू आंटी। ठीक है। एंड ये है हमारा प्यारा सा बच्चा। हाय हाय नितिन, कैसे हो? बहुत बढ़िया दी। बढ़िया। अच्छा, इतने सालों बाद मुझसे मिलो, मैं चेंज हुई हूँ कि नहीं? नहीं जी, ओमी। बिल्कुल ओमी है ना। मेरी नेचर में कोई चेंज आया? नहीं, ओमी है ना बिल्कुल। देख लीजिए, नेहा कभी नहीं बदलने वाली, और वो पीछे अभी मिलवाती हूँ, रुक जा। तो मतलब आप देख लीजिए, चाहे मैं कनाडा चली जाऊँ, चाहे कनाडा से भी कहीं ऊपर पाताल लोक कहीं पे भी पहुंच जाऊँ, नेहा वैसी की वैसी ही रहेगी ना, नेवर। मेरी नेचर वैसी ही रहने वाली है, वैसी मैं बातूनी हूँ, वैसी फ्रैंक हूँ, मतलब इनको पता ही चल गया ना, है ना, पता लग गया ना। और कुछ बोलना चाहोगे? नो थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग माय वीडियो। हेलो। देखिए, मैं इसकी सबसे पहले, मैं ये हमारी नेबर, पहले नेबर थे, देन मैं इसकी टीचर बन गई है ना, ट्यूशन टीचर भी थी, स्कूल में भी टीचर थी, मेरा फेवरेट मैथ्स टीचर है, मैंने और किस पे लाइक समझ नहीं आंदा से टीचर। यस, आई वाज मैथ्स टीचर ऑन दैट टाइम, अभी भी हूँ, बट द थिंग इज कनाडा में हमें वो प्रॉपर स्पेस वो नहीं मिल पाता पोजीशन, तो यस आई एम मैथमेटिक्स टीचर। मैं नैन्सी को पढ़ाया करती थी। yes. बताओ मैं कैसे पढ़ाती थी? बहुत अच्छा वे सी, लाइक मतलब मैं समझ नहीं आंदा से, जब दीदी गए मैरिज हो गई, आई वाज सो सैड, लाइक मैं कितों पढ़ूंगी, मैं सब तो पहला टेंशन हो गई अपने आप की कितों पढ़ूंगी मैं। शी वॉज लाइक द best teacher in our school also. Oh, and I still you. remember her. Yeah. And her speaking skills were excellent. Yeah, thank you so much. तो देखिए, अब मैंने अपने स्टूडेंट को इतना ट्रेन किया कि वाओ, मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि नैन्सी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू। या सीरियसली, जब देखो टीचर इतना कामयाब ना हो इट्स फाइन, पर जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत तरक्की करते हैं ना, तो आप समझ नहीं सकते, जैसे माँ को अपने बच्चे को देख के
खुशी होती है ना, तो एक गुरु को भी अपने स्टूडेंट को देखकर ऐसी ही खुशी होती है. Exactly, yeah. Right. And right now she is IELTS trainer. अगर किसी को IELTS की कोचिंग लेनी है ना, तो आप नैन्सी से कॉन्टेक्ट करें. थैंक यू सो मच. रियली लाइक अब देखिए, मैं टीचर थी तो अभी ये भी टीचर बन गई है. हाँ जी हाँ जी अंकल, मैं दो तरीक ना आई थी. हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया. हाँ जी तो मतलब लाइक अब ये ट्रेनर बन गई है, टीचर है ना, तो मेरी क्वालिटीज ये बोल रही है कि मैंने आपसे सारी क्वालिटीज ले ली हैं. तो थैंक यू सो मच. हाँ तो बहुत अच्छा लगा. हाँ जी सीरियसली आफ्टर सो लॉन्ग बट वी आर सेम. Exactly. हमारे दिल वैसे ही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम. तो लाइक मैं ना इसलिए सबसे पूछती हूँ क्योंकि मुझे तो पता है मैं वैसी की वैसी हूँ, है ना. मैं चेंज नहीं होने वाली, मेरे को पता है, हमारे घर वालों को पता है. पर मैं जब सबसे किसी से बाहर भी किसी से मिलती हूँ, अपने पुराने फ्रेंड से या अपने नियर एंड डियर वन से, तो मैं उनसे स्पेशल पूछती हूँ कि आपको मुझ में कोई चेंज लगा कनाडा जाने के बाद. बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल. मतलब 1% भी नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. जमा सेम है दी, स्टार्टिंग तो लेके हुन तक सेम है ना. सेम है. तो देखिए नेचर डिपेंड करती है आपकी, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए बट मेनली आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. और मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ. देखिए हम सब आज इतना आगे चले गए हैं, हम फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, हम ब्रांडेड चीज़ें पहनने लगते हैं. पहनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है. बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आपकी पहचान आपके कपड़ों से नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच से होनी चाहिए, आपके खुद के नाम से होनी चाहिए. और वो नाम आपको खुद से बनाना है ना. आप जब चलो ना, कोई ये ना बोले वो एडिडास वाली जा रही है, वो कैल्विन क्लाइन वाली जा रही है. नहीं, हमारे मम्मी पापा ने हमें इतना प्यारा सा नाम दिया होता है, वो नाम इसीलिए दिया होता है कि हम उस नाम को और ऊपर तक ले जाएं. तो हमारी नाम किससे होनी चाहिए, हमारे काम से, नाम से, हमारे अच्छे कर्मों से, है ना. काम अच्छे करने चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए. इंजॉय करो लाइफ में फुल, कुछ भी करो, कुछ भी पहनो, बट द थिंग इज हमें किसी को हर्ट नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ठीक है ना. तो फिर सब हमें दुआएं देते हैं और हम बहुत तरक्की करते हैं, है ना. बहुत अच्छा लगा, सीरियसली थैंक यू सो मच. बाय. Are we saying we are late? We are late, mama. So now we will continue this vlog later. Thank time you. To go. Thank you. Yeah. Hello, mummy. Hi, Sharma ji. शर्मा रही हैं. शर्मा जी शर्माते नहीं है, अब तो ये कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं. बट हम नेचुरल हवा में बैठे हैं. कनाडा में मुझे ये नेचुरल हवा नहीं मिलती, तो मैंने सोचा कि नेचुरल हवा में बैठा जाए, है ना मम्मी. दिमाग फ्रेश रहता है. हाँ मतलब बैठे नहीं, खड़े हैं, पर बस आपको बात बोलने में ऐसी आ जाती है कि बैठे हैं. बैठ भी जाएंगे, जब थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे. क्यों शर्मा जी, गाड़ी में बैठे बैठे ही आए हैं. पार्क बहुत अच्छा है यहाँ का, ये देखिए बहुत अच्छा पार्क है. अगर इंडिया में घर हो और ऐसे घर हो तो कितना अच्छा लगता है. काफी अच्छा, अच्छी जगह है. शाम को तो यहाँ पे धूप भी खत्म हो जाती होगी और बंदा आराम से बैठ सकता है. साथ में ट्रीज हैं, ऐसे नेचुरल नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं. तो आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और फिर मुझे होता है कि मैं जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो मैं करूँ, उस पर वर्क करूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ. एंड लाइक मुझे बहुत से अच्छे कमेंट आते हैं और पर्सनली मेरे फ्रेंड्स भी मुझे फीडबैक देते हैं एंड दे आर लाइकिंग माई व्लॉग्स. बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, अभी तो मैं इंडिया में हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में. और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच बताऊं तो कि यहीं रह जाऊं, बट दैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बच्चों का फ्यूचर का सोच के लगता है कि नहीं जाना है. और यस, बस अच्छी सोच रखिए, अपने दिल से अपने एरिया से जुड़े रहिए, फिर आप लाइफ में बहुत तरक्की करते हो. अपने अपनों का आशीर्वाद लीजिए, अपने अपनों को प्यार कीजिए और जिससे भी कुछ सीखने को मिलता है ना तो उससे सीखिए.
सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम ता उम्र सीखते रहते हैं। अगर आप ये सोचकर किसी से भी कुछ सीखोगे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, तो आप बहुत आगे जाओगे। तो यस, मुझे बताते रहिएगा आपको और क्या क्या देखना है। हाय अनाया, हाय अनाया, 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 म्याउ म्याउ, म्याउ म्याउ, व्हाट डज द डॉगी सेज, वुफ वुफ। शर्मा जी को देखिए, आज शर्मा जी पूरे मॉडल के जैसे बने हुए हैं। ये देखिए शर्मा जी को, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और ये हमारी अनाया शरारतें करती हुई, खुले एरिया में ये बहुत इंजॉय करती है। अनाया, अनाया क्या कर रहे हो? आजा आजा आजो। बनी कितने? नो नो, देयर इज नो बनी, देयर इज नो बनी, नो स्पैरो, नो बनी, नो स्पैरो, या बनी नहीं है। आ आ, नो नो नो, आपने नहीं बैठना इसके अंदर, फिर आपको बंद कर देंगे। नो 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 नो, अनाया को बंद कर देंगे, फिर इसमें पानी है, इसमें नहीं करना। हाथ हैंड्स गंदे हो रहे हैं मेरे बेटे के। नाने, हेलो, देखिए ये चीकू का पेड़ है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है चीकू का पेड़। कहाँ छुप गया चीकू? बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, नेचुरल ब्यूटी, नेचर के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरी स्टूडेंट से मिलके, मेरी भाभी से मिलके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।